घर पर ही खुद से बाल काटने का बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम पार्लर जाते हैं और अपने पसंद का बोलते हैं बाल काटने के लिए, तो उससे ना कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या होता है, ज़्यादा कट जाता है या फिर ख़राब कट जाता है। तो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि टाइम निकाल के पार्लर भी जाना पड़ा, पैसे भी खर्च हुए और ख़राब बाल कट गया, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। क्यों ना हम सब घर पे ही बाल काटे अपने पसंद का और जितना भी मन चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। वैसे तो मेरा ब्लॉग हमेशा वेट लॉस का आता है, डेली रूटीन आता है, लेकिन आज हम बाल काट रहे हैं खुद से घर पे। और सावन है ना, तो सावन में बाल, हर सावन में हम काटते ही काटते हैं, कभी काटे या नहीं काटे हर सावन में। मेरा बचपन से ही आदत है, जैसा कि सुनते आए बचपन से सभी से, कि सावन माह में काटना चाहिए बाल, और तो बस वही करते हैं, हर सावन में हम बाल काटते हैं। तो बस वही वीडियो आज हम लेकर आए आप सबके बीच। तो मेरा बाल काफ़ी नीचे पतला भी हो गया था, तो सोच रहे थे बाल काटेंगे, बस इसी महीने का इंतज़ार था कि सावन आएगा और बाल काटेंगे। तो देख सकते हैं आप मेरा बाल नीचे कितना पतला हो गया है, जो कि काफ़ी ख़राब लगता है देखने में। वैसे तो लंबा बाल हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा पतला हो जाने के बाद फ्रेंड्स वो बहुत ही ख़राब लगने लगता है देखने में। तो देखिए, सबसे पहले हम अच्छे से बाल को सुलझा लिए कंघी से, मोटे वाले कंघी से, और उसके बाद पानी से बहुत अच्छे से इसको भिंगा लेंगे बाल को। वैसे तो कल हम बाल धोए थे, कल नहीं काट पाए क्योंकि कल फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन हम लोग बाल नहीं काटते हैं। और उसके बाद देखिए बाल को अच्छे से भिंगा लेंगे, क्योंकि बाल मेरा सूखा हुआ है। जब आप पार्लर जाते हैं बाल कटवाने, तो वहाँ भी आप देखते हैं बाल काटने से पहले बालों को अच्छे से भिंगाया जाता है पानी से। तो यहाँ पे हम पानी से बाल को बहुत अच्छे से भिंगा लेंगे, ताकि ये बाल अच्छे से सीधा हो जाए और एक दूसरे से चिपक जाए। और सूखा रहता है बाल ना, तो काटने पर फिर छोटा और बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको भिंगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो पानी लेकर के अच्छे से इसको हम भिगा रहे हैं बाल को, और काफ़ी हद तक मेरा बाल भीग चुका है। तो जहाँ तक खुला बाल है ऐसे अच्छे से इसको भिगा लेंगे, ताकि कंघी करने पे ये पूरा बाल बराबर हो जाए और काटने में हमको सुविधा हो। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से बाल मेरा भीग चुका है, और नीचे कितना पतला लग रहा है ना बाल, तो नीचे काटना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा बाल काटने से बालों का लुक जो बिल्कुल बदल जाता है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है, और यही पतला रहता है, पूछ सा लगता है, बिल्कुल भद्दा लगता है फ्रेंड्स, तो वो हमको नहीं है पसंद। तो बस इसको काट लेंगे, तो अभी आपको हम दिखाते हैं काट के कितना ज़्यादा अच्छा बन जाता है बाल काटने पे, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम पानी से भिंगा लिए कंघी करके, उसके बाद बाल को दो पार्ट में बाँट के अच्छे से करेंगे कंघी, आगे से पीछे की ओर पूरा सीध मांग बना लेंगे और अच्छे से कंघी करेंगे, क्योंकि पानी से भिगाए हैं। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा उलझ जाता है बाल, तो इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाल सभी बराबर हो जाए और काटने पे ये छोटा बड़ा ना हो। तो एक साइड का बाल देख सकते हैं आप अच्छे से काट लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरीका बताएँगे हम आपको। तो सबसे पहला तरीका ये हुआ, ऐसे करके दोनों भाग में बांट लेंगे बाल, अच्छे तरह कंघी करके दोनों को बराबर करके अब जितना मर्जी चाहे आप काट सकते हैं छोटा बड़ा, जितना भी आपको लगे कि इतना बाल हमको काटना है, बस आगे करके ऐसे आप बाल को काट सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं काटेंगे फ्रेंड्स, हम अभी सिर्फ हम आप सबको बता रहे हैं कि ऐसे करके काटेंगे ना तो बिल्कुल बाल बराबर होता है, डरने की कोई बात नहीं है कि छोटा बड़ा बाल हो जाएगा। तो देखिए, और ये एक तरीका था, और दूसरा तरीका हम आपको और बता रहे हैं सब। और पीछे से फिर से कर लेंगे कंघी, क्योंकि आगे बाल किए थे फिर पीछे लाने थोड़ा उलझ जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे कंघी और अच्छे से आगे पीछे करके, ताकि पूरा सुलझ जाए मेरा बाल, उलझ जाता है ना काटने पे बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखिए मेरा बाल यहाँ पर बन चुका है, अच्छे से कंघी कर लिए हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर से पकड़ते आएंगे बाल, बराबर बराबर भाग में पकड़ते आएंगे, धीरे धीरे करके आगे बाल पकड़ते आएंगे, बिल्कुल नीचे की ओर पकड़ लेंगे, और ऊपर पूरा बाल मेरा बराबर पकड़ते जा रहे हैं, कुछ भी कहीं भी नहीं छूटा है फ्रेंड्स। धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे की ओर बाल को पकड़ते जाएंगे, और नीचे देखिए बस इतना सारा पूछ बच गया। तो अब यहाँ पर जितना भी मर्जी चाहे आप छोटा बड़ा बाल काट सकते हैं, ऐसे करके बिल्कुल बराबर बाल कटेगा फ्रेंड्स। ऐसे करके हम हमेशा ऐसे ही बाल काटते हैं,
लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं दो भाग दो पार्ट में बांट करके बाल को तो हम काटें, क्योंकि हर बार वैसे ही काटते हैं, तो सोच रहे इस बार ऐसे काट के आप सबको दिखाएं। ऐसे में बाल बहुत ज़्यादा बराबर कटता है। तो देखिए बीच से आगे पीछे दोनों तरफ कर लेंगे, मंग अच्छे से दोनों पार्ट बांट लेंगे बाल को और अच्छे से कर लेंगे कंघी ताकि बाल अच्छे से सुलझ जाए। और उसके बाद अभी आपको हम काट के दिखाते हैं, आप सब देखते रहिए फ्रेंड्स कितना बराबर बाल कटता है, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कट जाता है। और यही बाल जब आप पार्लर में जाओगे कटवाने के लिए थोड़ा सा नीचे इसका, तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा और कभी बाल ख़राब भी कट जाएगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि बाल मेरा ख़राब कट गया। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ हम बाल ले लिए हैं दो पार्ट में और अच्छे से कंघी कर लिए हैं फ्रेंड्स। और दोनों को अब हम पकड़ लेंगे अच्छे से, देख सकते हैं दोनों पार्ट को एक हाथ में ले लेंगे अच्छे से पकड़ के बराबर करके, और उसके बाद नीचे की ओर आएंगे पकड़ते पकड़ते। अब जितना चाहे आप काट सकते हैं, पहले हम थोड़ा ही काट के देखेंगे फिर देखते हैं कैसा होता है, फिर अगर और लगेगा काटना होगा तो काटेंगे, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं अभी हम बहुत कम बाल लिए हैं, बस एक अंगुल का लिए थे, दो इंच बराबर होगा, इतना बड़ा बाल काटे हैं। फिर से कंघी कर लेते हैं, कंघी करके फिर से देख लेते हैं कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हुआ। और देख सकते हैं आप छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा और भी काटने का मन कर रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप जितना थोड़ा थोड़ा काटेंगे ना उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा। क्या है ना कि एक बार अगर आप पूरा काट लेंगे छोटा हो गया तो फिर वो जुटता नहीं है, आपको ये पता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही काटेंगे, थोड़ा काट लेंगे फिर देखेंगे, थोड़ा काट लेंगे फिर देखेंगे कि मेरा कैसा हुआ बाल, अच्छे से बराबर हुआ या नहीं। देख सकते हैं आप बराबर तो हो गया है लेकिन अभी भी पतला लग रहा है, बाल तो काफ़ी भद्दा लग रहा है, तो इसको और अभी हम काट लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही हम काटते हैं, तो आप सबके साथ सोचे आज हेयर कटिंग ही शेयर करते हैं तो आप सबको अच्छा लगेगा। अगर आपको डर लगता है घर में बाल काटने से कि कहीं खराब ना हो जाए, कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए, तो आपको भी थोड़ा सा ये लगे कि अलका सिस्टर काट सकते हैं खुद से तो हम भी काट सकते हैं, है ना। एक दूसरे को देख के हिम्मत बनता है, कोई भी काम सीखते हैं करते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं जितना हमको लगा उतना हम काट लिए हैं, और अभी ये भीगा हुआ है इसलिए चिपका हुआ है बाल, जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो बहुत ही अच्छा लुक आता है फ्रेंड्स ऐसे बराबर काटने से। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से, पहले बहुत ज़्यादा पतला लग रहा था, नीचे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड्स। अभी हम अपना बाल देखना भी चाह रहे हैं पीछे से, तो अच्छे से नहीं देख पाते हैं। जब वीडियो ये तैयार हो जाएगा पब्लिश कर देंगे, फिर हम देखेंगे अपने वीडियो को कि मेरा बाल कैसा हुआ है, कैसा कटा है, क्योंकि ऐसे पीछे का बाल तो दिखाई देता नहीं है फ्रेंड्स, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हेयर कटिंग मेरा कैसा लगा, कैसा कटा है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो चैनल पे न्यू है तो ऑल बटन को प्रेस करके ही लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरा बाल कितना बराबर अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स है ना, घर पर खुद से बाल काटने का बहुत ही ज़्यादा फायदा, क्योंकि पार्लर जाएंगे आप तो काफ़ी टेंशन होगा कभी बाल खराब कट गया तो। और घर में है कि अपनी मर्जी से आप जितना चाहे काट सकते हैं, छोटा पहले छोटा से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप देखते जाइए कि कितना मेरा बाल कटा है, उसके बाद अगर और आपको लगे कि काटना है तो काटें, नहीं तो उसको छोड़ दें। नहीं तो अगर एक बार ज़्यादा कट जाएगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा पछतावा आने लगता है कि एक ही बार में कितना ज़्यादा बाल हम काट दिए। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा बाल कट चुका है और अब मेरा बाल बराबर हो गया है पहले। तो क्या फ्रेंड्स आप सब भी मेरी तरह घर पर काटते हैं बाल? क्या आपको भी खुद से बाल काटना पसंद है या फिर पार्लर में बाल कटवाना पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा हेयर कटिंग कैसा लगा, और आप सब बाल कटवाते हैं पार्लर जाकर या खुद से ही घर पर काटना पसंद करते हैं? तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थोड़ा सा बाल काटने से कितना अच्छा लुक आता है फ्रेंड्स, नहीं तो बिल्कुल भी भद्दा लगने लग जाता है। बच्चे लोग भी बोलने लग जाते हैं घर में कि बाल मामा तुम्हारा बहुत पतला हो गया है, आंचल के पापा भी बोल रहे थे कि बाल तुम्हारा बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। तो हम सावन का ही इंतज़ार कर रहे थे, इनको बोल रहे थे कि कुछ दिन और सावन आएगा तो बाल काटेंगे।